मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। दांत साफ करने के लिए टूथब्रश मत करो, खर्चा बचेगा। हम आजकल टूथपेस्ट करते हैं, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस, ये बड़े महंगे हैं, 30 रुपए का 100 ग्राम, 300 रुपए किलो हुआ कि नहीं। गाय का घी 200 रुपए किलो, टूथपेस्ट 300 रुपए किलो। क्या मूर्ख लोग हैं इस देश के, पढ़े लिखे, सुपर इडियट। वो क्या करते हैं, 200 रुपए किलो गाय का घी नहीं खाते और 300 रुपए किलो का पेस्ट रगड़ के दांतों पे थूकते हैं। वो कहते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं। मैं उनसे कहता हूं और स्मार्ट बनो। क्या कहते हैं, क्या करें? मैं कहता हूं ये 300 रुपए किलो का पेस्ट इसको थूकते क्यों, इसी को रोटी पे लगा लगा के खा लो, गाय के घी से तो महंगा है। कितना फालतू खर्चा कर रहे हैं, 300 रुपए किलो का पेस्ट। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था, एक आदमी रोज जो ब्रश करता है ना सवेरे का, तो एक बार के ब्रश में 1.5 से 2 ग्राम टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है। अगर वो आदमी 60 साल तक, अपनी जिंदगी के 60 साल तक ब्रश करता रहे, तो एक आदमी का टूथपेस्ट का खर्चा 1,40,000 रुपए आता है 60 साल तक। एक पेस्ट आता है 100 ग्राम 30 रुपए का, जिंदगी में वो जितने पेस्ट इस्तेमाल करेगा 60 साल में, उसका हिसाब जोड़ा 1,40,000 के आसपास खर्चा। क्या फालतू खर्चा है, बंद करो ये, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ब्रश को पेस्ट लगा के रगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, फोकट का काम करो, दातुन करो, दातुन। बागवट जी ने कॉलगेट के लिए मना किया है, कॉलगेट था ही नहीं तो लिखा भी नहीं है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि आप नीम का दातुन करें, और नीम से भी अच्छा एक दातुन उन्होंने बताया, मदार। मदार समझते, मदार का एक पेड़ होता है, वो कहते नीम से भी अच्छा है क्योंकि वो और ज्यादा कषाय है और ज्यादा तिक्त। फिर एक है बबूल, फिर एक है अर्जुन, अर्जुन की छाल आपने पिया ना, अर्जुन की दातुन भी होती है। तो ऐसे वारे वृक्ष उन्होंने बताए हैं, नीम है, मदार है, अर्जुन है, फिर ये जो होता है ना आम, आम बबूल है, आम है, अमरूद है, ऐसे 12 वृक्षों का उन्होंने वर्णन किया है कि इनकी दातुन ही करना, इसके आगे 13वें वृक्ष की नहीं। और वो डिटेल लिखा है किताब में, आप ले सकते। जब उन्होंने आगे लिखा है वो मैं अभी बता दूं, वो ये कहते हैं कि जीवन में जो ऋतु है, ऋतु गर्मी है, फिर सर्दी है, फिर बरसात है, 3 तो मुख्य ऋतु हैं, फिर इनकी उप ऋतुएं हैं तो 6 हो जाती है, शरद है, शिशिर है, वसंत है। तो मोटा मोटा बता देता हूं, ज्यादा बारीक आपको याद नहीं रहेगा। वो ये कहते हैं कि जब गर्मी का सीजन है, गर्मी माने अप्रैल से शुरू कर लीजिए, उगादी, उगादी से शुरू कर लीजिए, नहीं तो आप मकर संक्रांति से ही मान लीजिए, तो मकर संक्रांति से लेकर जब तक गर्मी है माने बारिश नहीं होती, तब तक नीम के दातुन की बात कही उन्होंने। तो इसमें चैत्र भी आएगा, वैशाख भी। अब आप पुरानी चीज जरा देखिए कि हमारे बचपन में हमारी दादी कहती थी कि देख चैत्र का महीना लग गया, नीम के पत्ते खा ले तो अगले 1 साल तक बीमार नहीं पड़ेगा। तो वो समय यही आता है जो बागवट जी का कैलकुलेशन। क्यों? ये जो समय है इसमें पित्त को भड़कने से बचाने में सबसे बड़ी मदद ये करेगा नीम। तो नीम का दातुन, नहीं तो बबूल का दातुन, नहीं तो मदार का दातुन, लेकिन गर्मियों में सबसे अच्छा नीम है। दूसरा सबसे अच्छा बबूल है गर्मियों में, और सर्दियों के दिन में सबसे अच्छा दातुन है अमरूद, अमरूद के पेड़ का दातुन सर्दियों में सबसे अच्छा, अमरूद के पेड़ का। और अमरूद के जैसा ही एक और पेड़ होता है जामुन का, भी दातुन करने का नियम बताया है, लेकिन पता नहीं आप तोड़ पाएंगे कि नहीं, लेकिन अमरूद का आसानी से मिल जाएगा। और फिर ज्यादा बारिश के दिनों में जो वो बोलते हैं तो आम का भी कर सकते हैं, अर्जुन का भी कर सकते हैं। और आप बोलेंगे जी पूरी जिंदगी अगर नीम का ही दातुन करें तो कर सकते हैं, 3 महीने लगातार करके थोड़े दिन छोड़ देना, फिर 3 महीने कर लेना। वो थोड़े दिन छोड़ने का नियम ध्यान रखना। तो फिर आप बोलें थोड़े दिन छोड़ दिया तो क्या करें, उस दिन दंत मंजन कर लेना। दंत मंजन के लिए वो ये कहते हैं कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां का तेल, और जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां जो उपलब्ध लवण माने नमक,
और जिस क्षेत्र में रह रहे वहां की उपलब्ध हल्दी, ये तीनों मिलाकर आप पाउडर बना के दांत पे घिस सकते हैं। ये बहुत अच्छा दंतमंजन उन्होंने माना। दूसरा दंतमंजन उन्होंने बताया है, गाय के गोबर को सुखाकर जलाएं, उसकी जो राखी है उसमें थोड़ा कपूर मिला दें, थोड़ा सेंधा नमक मिला दें, बहुत अच्छा दंतमंजन। तीसरा वो कहते हैं कि जो त्रिफला चूर्ण मैंने बार बार आपको बोला, त्रिफला चूर्ण है तो इसको बारीक पीसें, दंतमंजन के लिए बारीक पीसना और खाने के लिए मोटा पीसना, तो बारीक त्रिफला चूर्ण, थोड़ा सेंधा नमक, बस मिला के दांत पे घिसें तो ये दंतमंजन। ऐसे 8-10 तरह के दंतमंजन है, 12 किस्म की दातुन है, तो आप ये जरूर करें। माने टूथपेस्ट बंद करें। अब क्यों करें टूथपेस्ट बंद? भागवत जी और आधुनिक विज्ञान को जरा जोड़ता हूं। आप पित्त के असर में हैं, जान लीजिए। सुबह सोकर उठेंगे तो मुंह में पित्त ही भरा हुआ है, लार जिसको आप कहें। अब ये असर ज्यादा है तो इसको कंट्रोल रखना है आपको, तो इसलिए कहा ये दातुन अच्छी है। लेकिन अगर आप ब्रश कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, तो क्या है उसमें? चीनी है, चीनी है ना, शुगर है। अब वो सैक्रीन के रूप में है या किसी भी रूप में शुगर है, और शुगर और पित्त का झगड़ा है। तो सुबह उठते ही अगर आप पेस्ट कर रहे हैं जो मीठा है तो सर्वनाश है। मीठा ब्रश माने मीठा पेस्ट पित्त में मिलाएं तो पित्त को तो बिल्कुल खराब करेगा ही और मुंह को भी खराब करेगा, क्योंकि सुबह का मुंह आपका मीठे के असर में आया, मीठे के असर में, तो 101% चांसेस हैं कि आपके दांत खराब होना जल्दी शुरू हो। और मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो ज्यादा पेस्ट कर रहे हैं उन्हीं के दांतों में कीड़े सबसे ज्यादा लग रहे हैं। कीड़े लगना माने दांत खराब होना। आप बंद करिए, ये अच्छा नहीं, विज्ञान के हिसाब से बहुत खराब, और धर्म के हिसाब से तो और भी खराब है। मैं कई बार यहां बोल के गया हूं, सभी कॉलगेट क्लोजअप पेप्सोडेंट जैसे टूथपेस्ट मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बन रहे हैं, जैसे कॉलगेट बन रहा है मरे हुए सुअर की हड्डियों से। ये प्रयोगशाला में प्रयोग करके हम प्रमाणित करने के बाद बोल रहे हैं आपसे, क्योंकि मैं जानता हूं सामने वाली कंपनी मेरे खिलाफ केस कर सकती है, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि कॉलगेट बन रहा है मरे हुए सुअर की हड्डियों से, पेप्सोडेंट बन रहा है मरी हुई गाय की हड्डियों से, क्लोजअप और फॉरहंस बन रहे हैं बकरी और बकरे की हड्डियों से। और अगर आप शाकाहारी हैं, चुस्त जैन हैं और सवेरे सवेरे हड्डियों को घिस रहे हैं, तो कहां धर्म पालन हो रहा है? और आप तो जैन है तो इतना जान लीजिए कि प्रत्यक्ष हिंसा का जितना पाप है ना, परोक्ष हिंसा का पाप भी उतना ही है। तो किसी कंपनी ने आपके लिए बनाया टूथपेस्ट, माने उसने मारा जानवरों को उसमें से निकालने के लिए हड्डियां, आपके लिए बनाया, तो पाप आपके ऊपर उतना ही है जितना उस मारने वाले के ऊपर है। तो कसाई का पाप अपने सिर पे क्यों लेना? तो क्यों ये कॉलगेट क्लोजअप? बंद कर दीजिए, दातुन पे आइए, नहीं तो दंत मंजन। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।